गार्डमैन, व्हाट हैपेंड? टीसीजी, ये ट्रेन क्यों रुकी? मैं भी नहीं जानता हूँ, पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ। ट्रेन किसने रोका होगा, रिजर्वेशन की समस्या होगी, एपी बंद होगा, आतंकवादियों ने बम तो जरूर लगाया होगा, आखिर में कर्फ्यू होगा तो इसलिए गाड़ी रुक गई होगी। क्या बकवास है, पता नहीं है ट्रेन ड्राइवर कौन है, लेकिन उसे इनाम देना चाहिए, ट्रेन तो बिल्कुल नहीं हिल रही है। अरे बाबा जरा उठकर तो देखो, ट्रेन नहीं चल रही है। अरे बेटा और कितनी दूर है? चिंता मत कर माँ, अगला स्टेशन है सिकंदराबाद है। रजनी कहाँ गई? सिकंदराबाद स्टेशन आ रहा है ना, शायद ड्रेस चेंज करने के लिए बाथरूम गई है। ट्रेन में फर्स्ट क्लास का ना होना मेरे लिए बैड लक है। तो अपने डैड से कह के हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले लेती? भगवान, जरा सा सब्र करो माँ, थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। अरे अरे मेरी लिपस्टिक गिर गई। ललिता जरा चेन खींचो, जाना यार जल्दी कर। अरे फिर से क्या हो गया? जाने दो। अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? चेन क्यों खींचा आपने? मेरी लिपस्टिक गिर गई, इसलिए चेन खींचा। लिपस्टिक गिर चुकी? लिपस्टिक के लिए, हेयर पिन के लिए, कलम के लिए चेन खींचने पर क्या होता मालूम है? क्या होगा? ललिता मिला क्या? चेन खींचना गुनाह है पता है। फाइन भरना होगा, इतना ही ना? लीजिए 500 रुपीज। ट्रेन नहीं चल रही है, मेरी तो जान निकल रही है बेटा। बेटी हाथ जोड़ती हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आई डोंट केयर। टीसी साहब जल्दी से ट्रेन शुरू करवाइए, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। अभी रेलवे का एम्प्लॉय हो सर। रुको। बेटा सर, बेटा। माँ। अरे ये नहीं, मिल गई। माँ, माँ। What happened? मिस्टर गार्ड, कंपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत मर चुकी है, मैं लाश के साथ सफर नहीं कर सकती, इन्हें उतार दो नहीं तो दूसरे बोगी में भेज दो। Number 7428 Rail Sima Express from Guntakal to Secunderabad is arriving on platform number 1. मैंने जिस तरह संभाल कर सामान उस डिक्की में रखा, उसी तरह इज्जत से वो नोट उठाकर मेरे हाथ में रख दो। नहीं रखा तो? न ये कार और न ये नोट, न तुम न मैं, कोई हिल भी नहीं पाएगा। शिट। मुझे भी आती है विसल मारना। ये मामूली विसल नहीं है गुड़िया, पुलिस विसल है। पुलिस विसल? तो कहाँ है पुलिस? वहाँ देखो। भाई लोग, नीचे गिरा हुआ 10 का ये नोट इस लड़की की नजर में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए क्या है? मेहनत, हमारा धर्म है, ईमानदारी, हमारा खुदा। ये गुड़िया रानी हमारे भगवान को मेरे हाथ में उठाकर नहीं रखेगी तो क्या होगा? लगता है ये सब इसके साथ ही है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। उठा के दे देना। हे देवी माँ, मेरी बद दिमाग बेटी किसी भी लफड़े में फंसे बिना सीधे घर वापस आ जाए, बस इतनी ही बिनती है माँ। मेम साहब, छोटी मालकिन आ गई। क्या आ गई है? हे देवी माँ,
हमारा वक्त अच्छा नहीं है ना, इसीलिए देवी माँ के आगे कोकोनट फोड़कर प्रार्थना कर रही थी। सफर कैसा रहा बेटी? एकदम बकवास था। हाँ? क्या बात है देवी माँ, What happened? Yeah, try to call Singapore 6122661। इंडिया में सामने रहने वाली मदर को छोड़कर दूर सिंगापुर में रहने वाले फादर को फोन कर रही हो, क्या बात है बेटी? I'll teach him a lesson, bloody swine। वो कौन है बेटी? After all, एक रेलवे कुली है। हे भगवान, रेलवे के कुली से क्यों पंगा लिया बेटी? उसने मुझे बेवजह उकसाया है। I'll see him। Impossible है, आज का फुल डे तुम्हारा बैड रहेगा बेटी। हेलो, वॉट? सिंगापुर लाइन नहीं लग रहा है, टेलीफोन एक्सचेंज बंद करके चाय की दुकान खोल लो। Go to hell। बोली थी ना, पूरा दिन बैड रहेगा। वक्त पे अगर इलाज होता तो बेचारी इस तरह मर नहीं जाती। आधा घंटा पहले पहुंची होती तो शायद इसकी माँ नहीं मरती। चुप हो जा यार। इस शहर में पहली मारुति 1000 CC AC कार मुझे ही मिली है। यू सी मिस्टर मैनेजर, लॉयर लक्ष्मीपति इज द लकीस्ट पर्सन इन द ट्विन सिटीज। ये खबर सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कल के अखबार में छप जानी चाहिए। सुनो फोटोग्राफर, एक अच्छा पोज देता हूँ, स्टिल फोटो खींच लो। यस रेडी। पॉइंट नंबर 1, हु आर यू? आई एम रंजनी, मारुति डीलर प्रोप्राइटर कमलेश्वर रावत की ओनली डॉटर। तो क्या हुआ, मेरी कार की चाबी छीनना अच्छी बात है क्या? इस सिटी में जो भी नई गाड़ी आती है मैं उसे चलाती हूँ, जस्ट 2 rounds मार कर आती हूँ। तब तक आप बैठिए, मैनेजर इन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिलाइए। स्टॉप स्टॉप। सर इस पोज में एक फोटो लो क्या? शट अप, मैं गिरा हुआ हूँ तो फोटो खींचेगा इडियट। दिस इज टू मच, अपनी कार में किसी और का बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता लॉयर लक्ष्मीपति। जा रहे मोटे। मोटा कहा? हाँ तुम्हारा पेट तो हो गया है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैनेजर ये क्या जबरदस्ती है, इस सिटी का टॉप मोस्ट लॉयर हूँ मैं, अगर चाहूँ तो। आप चाहेंगे तो सिर्फ कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन वो चाहेंगे तो शमशान पहुँचा देंगे। सर इस पोज में एक फोटो लेता हूँ सर, मेरे शमशान जाने का भी फोटो खींच। राजू मेरी माँ की मौत इसी की वजह से हुई। बाप रे, ये तो वही रेलवे कुली है, पिछले जन्म की ना जाने कौन सी दुश्मनी है इसकी, जहाँ जाओ वही पीछे पीछे चलाता है। हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं हटी, रोड तुम्हारे बाप की है क्या? गलती करने के बाद बचने का तरीका ढूंढ रही हो क्या बढ़िया? उस दिन भी मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो इस बार मैं कान पकड़ता हूँ। कुली जी छोड़ दीजिए ना, आप कहेंगे तो उठक बैठक भी कर लेंगे। उठक बैठक नहीं, इस गलती की सजा के रूप में ये विनायक की मूर्ति उठाएगी। इस बेचारे को ये कष्ट मत दीजिए, आप कहेंगे तो हम में से कोई उठा लेगा। नहीं नहीं, ये मैडम को ही उठाना होगा। मैं नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाओगी तो कार का कचूमर और तुम सबका फालूदा बन जाएगा। लगता है ये सब बहुत गुस्से में, हमारा कचूमर निकाल देंगे। चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। कॉलोनी तक गणपति की मूर्ति उठाकर लाइयो, तुम्हारा पाप तो धुल चुका है, ये लो। क्या है ये? बोझा क्या है जानता हूँ, कुली का रेट भी जानता हूँ, ये तुम्हारी मजदूरी है, रख लो। कितना सौभाग्य है, गणपति को, लंबोदर को, पार्वती पुत्र को 10 किलोमीटर तक तुमने उठाया। दुर्भाग्य, वो लक भगवान ने मुझे दिया होता तो। पिछले जन्म में तुमने कितना पुण्य किया होगा। मम्मी विल यू प्लीज स्टॉप प्रेजिंग हिम, उसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए 10 रुपए की कुली दी। गलत है बेटी, पाप लगेगा, कुली नहीं कहते हैं, तोहफा है उसका। गॉड्स गिफ्ट। मुझे सबके सामने उल्लू बनाने वाले उस इडियट को सिंगापुर में डैडी को बताकर कैसे सबक सिखाती हूँ देखना। ओके, आपके टर्म्स एंड कंडीशन मुझे बहुत अच्छे लगे, नेक्स्ट वीक में एग्रीमेंट भी बना लेते हैं, उससे पहले हमारे पार्टनर बाबू से भी इस मामले में एक बार बात कर लेता हूँ। फादरलू, फादलू। बाप को फादलू कहने का क्या फैशन है? 5 साल में ही मुझे सिंगापुर लेकर आ गए, मुझे ला बोला नहीं लाता। लाता नहीं, आता। लाता। आता। लाता। आता। लाता। आता।
लाता। सॉरी पार्टनर, ओके कमिंग। कोटेश्वर राव जी बुला रहे हैं, चलो। बुड्ढा बुलाएगा तो जाना जरूरी है। अबे बुड्ढा बोलेगा तो भगा देगा तुझे वो। दूर का रिश्तेदार, इसलिए 10% दिया हमें, इसलिए सिंगापुर में सिल्क कपड़े पहन के घूम रहा है, चल। बाबू इनके साथ नेक्स्ट वीक में एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, तब तक इन्हें लॉयर के पास लेकर जाओ, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके। छोटी मालकिन, आपने बुक किया था ना सिंगापुर का कॉल? हाँ। हेलो डैडी। ओह बेबी, अच्छी तो हो ना? मैं अच्छी नहीं हूँ। अच्छी नहीं रहने का कारण कौन है? उसका नाम और गाँव क्या और एड्रेस क्या बताओ। एक रेलवे कुली ने मेरी इंसल्ट की है डैडी। अच्छा, आज जो फ्लाइट मुझे मिलेगी उससे पकड़ कर मैं इंडिया आ जाऊंगा, तब तक लोकल पुलिस को एक कंप्लेंट दे दो। एसपी साहब कहाँ हैं? कैंप गए हैं। डीएसपी? नक्सलाइट्स ने उन्हें किडनैप कर लिया। सीआई? उनकी पत्नी का पांव भारी हुआ। तो मंदिर में नारियल फोड़ने गए हैं। सीआई की पत्नी के पांव भारी है तो ये क्यों शर्मा रहा है? तुम्हारा केस क्या है मैं बताता हूँ, किसी ने तुम्हारी इज्जत लूट ली है। ऐसा हिम्मत वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ए रजनी, हमें जो गुंडे मवाली को फोटो चाहिए था वो तो यहाँ है। अरे मेरे गुंडे, अरे बाप रे, उन्हें लेकर नहीं जा सकती, रुक जाओ। मैं यहाँ से गुंडे और मवालियों की फोटोज लेकर जाने के लिए आई हूँ। पुलिस थाने से गुंडों की फोटोज नहीं लेकर जा सकती है। हट रे कौवे। मैं कौवा हूँ? कलर ही ऐसा है, छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तुमने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसा केस बना दूंगी। लेकिन सबूत कहाँ है? मैं हूँ। कौन है वो? अरे चोर, तू मुझे फंसाएगा? मैं तुझे छोड़ नहीं। हत्या का केस लगा दूंगा। क्या? हत्या का केस? जल्दी काम पूरा करके घर आ जाना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कम ऑन, हरी अप। कौन है आप लोग? यहाँ अचानक कैसे आ गए? बड़े घर की लड़की को सताने की वजह से तेरी हड्डियों का सूरमा बनाकर तुझे मालगाड़ी में डालने आए हैं। अरे 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 अरे, अरे। आज शुक्रवार है और 12 बजे तक राहु काल है। राहु काल में मैं हाथों से कोई भी काम नहीं करता हूँ, लेकिन 12 बजने में 5 मिनट अभी बाकी है। मैं बताता हूँ, मुझे मारने के लिए यानी मेरा काम तमाम करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट है। अरे 5 मिनट तो बहुत होते हैं, हम तो तेरा कचुमर बना डालेंगे। लेकिन याद रखना कि 5 मिनट में अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो घड़ी की घंटी 12 बार टन टन करके बजेगी और मैं धम धम करके तुमको पीटना शुरू कर दूंगा। तो घड़ी में 12 बजने से पहले जो करना चाहो कर लो, वरना राम जाने तुम्हारा क्या होगा।
आगे करो बेटी, प्रसाद देती हूँ। नहीं चाहिए आंटी। गलत बात है बेटी, गॉड को गुस्सा आया तो डॉग बना देंगे। ये लो मम्मी, इंग्लिश को मत बिगाड़ो। मैं क्या कर सकती हूँ, सिंगापुर लेकर जाना ये कहकर तुम्हारे डैडी ने ही तो मुझे बैड इंग्लिश सिखाई है। देखो इंस्पेक्टर, यही है वो। कौन है ये सब? क्या कौन है? जिन्हें भगा कर लाई हो ना, उन गुंडों की पत्नियां हैं। साइज देखकर पता नहीं लग रहा है, ये सब गुंडों की पत्नियां हैं। लेकिन बात क्या है, हमारे पतियों के साथ क्या किया तूने? अपने पैसे के जोर पे हमारे पतियों को बिठवा दिए। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। इंस्पेक्टर जी, हमारी बेटी ने क्या किया? मेरे पति को भगा कर लाई है। चप्पल से धुलाई करूंगी, चप्पल से मैं मारूंगी। देखिए, मेरी बेटी ने अनजाने में गलती की है। मेरे पति ना कल सिंगापुर से आने वाले हैं, उनके आते ही मैं आपके लिए कोई बंदोबस्त करती हूँ। जाइए बहन जी, जाइए प्लीज। कुछ बंदोबस्त करेंगे, चलो चलो। राजू, राजू, कल जो लफड़ा हुआ था ना, उसके लिए तुम पर पुलिस केस हुआ है। पुलिस घर पर आई थी, तुम्हें जल्दी से थाने में बुलाया है। डैडी, वो आ गया। तुम्हारी उम्र कितनी है? शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हो क्या? अपनी जानकारी के लिए। 24 साल। जानते हो, उतने करोड़ में तो मेरा बिजनेस चलता है। मेरा नाम कोटेश्वर राव इसीलिए है क्योंकि मैं करोड़ों में बिजनेस करता हूं। पैसा मैंने बहुत कमाया है, इज्जत और मर्यादा लोगों ने दिया है। सिंगापुर की फ्लाइट पकड़कर आज ही इंडिया आया हूं। आपकी उम्र कितनी है? 54 साल। पूरे देश का काम ठप करवाने का लाइसेंस है स्कूली के पास। मेरी ताकत और हिम्मत देख करके राजू, मेरे घर वालों ने प्यार से मेरा ये नाम रखा है। अच्छाई मैंने कमाई है, प्यार और इज्जत साथी कुलियों ने दिया है। अभी सारा बोझ छोड़कर आ रहा हूं। ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाते हैं। आपस में हमारे बीच झगड़े नहीं चाहिए। सॉरी के दो अक्षर मेरी बेटी से कह दो, बाद में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आप इतनी दूर से चल के आए हैं इसलिए, हमारे बीच झगड़ा ना हो इसलिए एक शेक हैंड तो दूंगा, लेकिन आपको नहीं, आपकी बेटी को। अगर आपको लगता है कि हाथ से काम नहीं चलेगा तो एक पप्पी दूंगा, वो भी आपको नहीं, आपकी बेटी को। मिस्टर राजू, अभी झगड़े का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि गोदावरी का टाइम हो चुका है। चलता हूं, मिनिस्टर से बात करके तुझे सबक सिखाऊंगा। मेरा बिल्ला भी नहीं तोड़ पाएगा तू। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो, अरेस्ट हिम। सर, इसके मुंह तक लगना अच्छा नहीं होगा सर। साउथ सेंट्रल रेलवे का रानी ईगल है सर, वो बिना पॉइंट के अरेस्ट करूंगा तो साउथ सेंट्रल रेलवे में गुड्स की गाड़ी भी नहीं हिल पाएगी। सभी यूनियंस की मदद है उसके पास सर। डैडी, उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्या? इंडियन ब्रेन से कुछ नहीं कर पाएंगे, फॉरेन ब्रेन से मारना पड़ेगा। अरे ठीक से तोलना। सरोजा, 15 तारीख को मेरी बेटी का शादी है, याद है? हाँ, याद है, याद है। इतनी उम्र में भी इतना चिल्लाती हो? अरे मेरी आवाज ही ऐसी है। सुन बेटा, अगर तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए तो वो लड़की कैसी है? दादी, तुमने उसमें क्या देखा? चेहरा। जरा नीचे देखो। हो गया ना, किसी ने जल्दबाजी कर दी। चलो घर चलते हैं। दादी माँ, शाम को बैंगन का भरता बनाना मत भूलना। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर ये लड़की कहीं पर गिर जाए तो मेहरबानी करके इस एड्रेस पर पहुंचा दीजिए। ए ऑटो, अपने राजू को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। चलो। क्या? महिला पर अत्याचार शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
ललिता को न्याय। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पोता ऐसा इंसान नहीं है, मेरी बात का विश्वास करो। ललिता को न्याय मिलना चाहिए। छोटी हूँ फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, मेरा पोता ऐसा गलत काम नहीं करेगा बेटी, तुम तो मेरा विश्वास करो। इंस्पेक्टर साहब आप तो मेरा यकीन कीजिए, मेरा पोता बहुत सीधा है, वो ऐसा काम नहीं करेगा सर। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। उठिए चलिए। एक कुली, सर घूम गया क्या, आंखें बंद कर रखे? आफ्टर ऑल 10 रुपए के लिए बोझ उठाने वाले एक मामूली कुली होकर, कुली का पैसा नहीं मिला तो भूखा मरने वाले भिखारी होकर, बेंस कार में घूमने वाली मुझसे पंगा लोगे क्या? देख लिया ना, तुमने जो गलती की ही नहीं उसको पब्लिक में कितना कलर दे दिया मैंने, कितनी महिला संगठन भड़क उठी है। कोर्ट तुम्हें क्या सजा देगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी इस तरह की सजा से सोसाइटी में कुली नंबर 1 बनकर रहने वाले तुम रेपिस नंबर 1 बन चुके हो। मेरे डैडी को सॉरी बोलने के लिए कहा था, तुमने क्या कहा? यही ना कि मेरा बिल्ला नहीं टूटेगा। अगर तुम्हें अपने बिल्ले को बचा कर रखना है और इस केस से बाहर निकालना है तो मैं एक आइडिया बताऊं। टच माई फुट, कम ऑन, पकड़ो, तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना। एक लिपस्टिक के लिए ट्रेन रोककर एक आदमी की जान ले ली थी, उसी दिन समझ गया था तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। किसी मर्द को झूठे केस में फंसाने के लिए औरत के पास एक ही रास्ता है, लेकिन औरत को सबक सिखाने के लिए मर्द के पास कई रास्ते होते हैं। मैं कौन से रास्ते से आऊंगा यह बताऊंगा नहीं, लेकिन किसी ना किसी रास्ते से आऊंगा, और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हाँ तो एसपी, एक करोड़पति और एक गरीब के बीच का डिफरेंस क्या होता है उसे पता चलना चाहिए, और ऐसा करने के लिए उसके बदन पर लाठियों की बारिश कर दो, उसका सारा खर्चा मैं भर दूंगा। इन सारी बातों के दौरान वो लॉयर से कांटेक्ट कर सकता है क्योंकि यूनियन लीडर है ना। आप जरा मेरे लिए फेवर करते हुए उसे दूसरे पुलिस स्टेशन में बदली करके टॉर्चर करके उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। तो तुम कुली नंबर 1 हो। करोड़पति अपने बेटे को वसीयत में फैक्ट्रियां देता है, किसान अपने बेटे को विरासत में खेती का हिस्सा देता है, मेरे दादाजी ने मुझे इस लाइसेंस को जायदाद के रूप में दिया था। ज्यादा ही बात कर रहा है तू। बहुत कम बोल रहा हूं। 1946 में गांधी जी जब विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल से उतरे थे तब उन्होंने सहारे के लिए एक रेलवे कुली के कंधे पर हाथ रखा था, वो कुली था मेरे दादाजी। उस दिन सारे कुलियों ने मिलकर मेरे दादाजी को कुली नंबर 1 बना दिया, वही पदवी मुझे विरासत में मिली है। कोटेश्वर राव जी ने तुमसे मांगा सिर्फ 2 अक्षर सॉरी, वो बोल दो तुम जेल के बजाय घर चले जाओगे। हेलो नमस्कार सर, उस कुली से सॉरी कहलवाना था ना इसलिए। थैंक यू सर, सॉरी कहने के लिए। क्या वो मान गया? बोल रहे बोल। बोले बोल। Yeah!
तुम सब उस दीवार के पास जाओ, तुम सब उस दीवार के पास जाओ, सब लोग वहीं रहना, ध्यान से रहना। और फिर आप? मैं चाय पी कर आता हूँ, तुम सब ध्यान से देखते रहना, ठीक है? बेकार का झगड़ा है, उसके मुँह क्यों लगना है, इस तरह पुलिस की नजरों में क्यों रहना है? रास्ते से गुजरने वाले डॉग पर पत्थर फेंक कर उससे कटवाने का यही मतलब होता है। बस भी करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्से को छोड़िए, पहले छूट कर भागने वाले उस ग्रह के बारे में थिंक करिए। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम तीनों अर्ली इन द मॉर्निंग सिंगापुर चले जाएंगे। कल अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा लक्ष्मी माँ का व्रत है और कथा भी सुननी है। बिना व्रत पूरा किए मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जितने व्रत करने हैं उतने सारे पूरे करके सिंगापुर आ जाना, हम लोग वहाँ वेट करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन बेबी। बलात्कार के केस में अरेस्ट होने वाला राजू फरार। झूठ है दादी माँ, ये सब बकवास है। उस दिन राजू भाई को जबरदस्ती जीप में बिठाते हुए मैंने खुद देखा था। लगता है पुलिस वालों ने कुछ करके राजू को फंसाने की कोशिश की है। राजू को मारकर इनकाउंटर में साबित कर दिया तो क्या करेंगे माँ? अरे बस करो बाबा, वैसे ही उसे क्या हुआ सोचकर मैं तड़प रही हूँ, उसमें तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो कोटेश्वर अपनी बेटी के साथ सिंगापुर क्यों भाग गया? यही सच है, तो उसकी हम अभी खबर लेते हैं, चलो। मालकिन मालकिन, सब कुल लोग मिलकर हमारे घर के सामने धरना दे रहे हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उस राजू को जब तक जेल से नहीं निकाला तब तक वहीं बैठे रहेंगे। उन माजी को अंदर बुला लो। जी। मैम साहब आपको बुला रही है, अंदर आइए। अंदर जाओ माजी। मेरे पोते को केस में फंसाने वाली तेरी बेटी है ना? राजू आपका पोता है। पहले मुझे जवाब दे, मेरे पोते के साथ तुम्हारी पत्नी ने क्या किया? जवाब देगी या मैं मुंह खोलूं? नहीं, राजू के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मेरी बात पर भरोसा करो, देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात पे मैं भरोसा करके जाती हूँ। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आई हो, एक हफ्ते में सिंगापुर की गली गली कोना कोना घुमाऊंगा। इस ओके रे। ए, बिना रिस्पेक्ट के ले कह रही हो, नाम लेकर पुकारो, अच्छा लगेगा। ओके, जब तुम मुझे प्यारे लगोगे तब उस नाम से पुकारूंगी। क्या मैं प्याला भी लगता हूँ? फिर तो ठीक है, तुम मुझे पागल गधा भी कह सकती हो। उसके लिए मोर चाहिए रे। तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हारे मिल्क शेक लेके आता हूँ। ओके। पागल गधा। मुझे उनसे मिलने दीजिए ना, मुझे उनसे जरूरी काम है। हो सकता है, लेकिन वो कौन जानते हो, इंडिया से पेट में आकर, जापान में पैदा होकर, जर्मनी में बड़े होकर, सिंगापुर में बिजनेस करने वाले बहुत बड़े करोड़पति हैं, रिचेस्ट एवरेस्ट फ्लोरेस्ट। ओके ओके, थैंक यू, बाय। कुली डार्लिंग,
यहाँ पे कुली नहीं लेते हैं, मैं ही तुम्हारा कुली हूँ। हेलो मिल्क शेक। मुझे शेक नहीं, केक चाहिए। एक मिनट में लेकर आता हूँ। भारत, टाइम इज अप, हमें डांस के लिए भी जाना है। ऐसे चलाओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। कम ऑन। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रंजनी है। नो ऑटोग्राफ, नो दस्तखत, नो फोन्स। इनका नाम क्या है? मिस्टर डी भारत। इन कहाँ रहते हैं? वो जहाँ चाहे वहाँ रहते हैं। इंग्लैंड में रहते हैं, हॉलैंड में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं। अब डांसिंग हॉल, डांसिंग हॉल। अटेंशन एवरीबॉडी, मैं आ रहा हूँ। बी रेडी, हॉलैंड, पोलैंड, वॉशिंगटन, पेरिस, इन सब की ऐसी तैसी कर चुका हूँ। नागो जी, पार्क में सांप पकड़ने वाला है तू, और तुझे सूट बूट सब ला कर दिया है। ये कैसा अवतार बना रखा है? पहले सांप को उठाकर इस बॉक्स में रख दे। रख दे। ओके। हे नाग शंभू, कुछ दिन के लिए तुम्हें इसी पेटी में रहना पड़ेगा। ओके ओके, प्लीज प्लीज, नो ऑटोग्राफ, प्लीज प्लीज प्लीज, नो ऑटोग्राफ। एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मुझे इनका इंटरव्यू करना है। नो, डायरी इज फुल, डायरी इज फुल। मैं उनकी फैन हूँ। नो फैंस, नो सीलिंग फैंस, नो एग्जॉस्ट फैंस। हेलो हेलो मिस्टर, हेलो मम्मी, मुझे एक अर्जेंटली बात बताओ, वहाँ पे वो रेलवे कुली है? अब कहाँ कुली है बेटी, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या अरेस्ट हो चुका है? पहचानने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। ठीक से देखा ना माँ, वही था ना? डेफिनेट वही था, डायनामिक फेस है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। ओ मम्मी, यू गिव मी सच अ ब्रिलियंट न्यूज। कौन है बेटी? डैडी, टॉक टू मम्मी। हेलो पत्नी जी, हमने यहाँ एक नया बिजनेस शुरू किया है, लॉकर के सारे डॉलर्स लेकर तुम्हें तुरंत यहाँ आना है। मुझसे नहीं होने वाला है जी, मैंने यहाँ देवी माँ का नया व्रत शुरू किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, देवी माँ का व्रत यहाँ सिंगापुर में भी हो सकता है, डॉलर्स लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। डॉलर्स लाने को कह रहे हो? फ्लाइट से ले आऊं चलेगा ना? वो हिसाब का पैसा ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम जल्दी निकलो। ठीक है ठीक है, वो सब तो ठीक है। देवी माँ की मूर्ति वहाँ मिलेगी क्या? कहो तो यहीं से लेकर आती हूँ। हेलो हेलो, क्या बकवास फोन है, कट हो गया। देखिए माँ जी, आपके पोते पर पुलिस केस लगाने वाले मेरे पति ही हैं। ऑफिसर्स को रिपोर्ट पहुँचा दी है, उन्होंने सारे केस हटाने का दिलासा दिया है। बलात्कार का केस भी मिट जाएगा ना? वो केस कोर्ट में है, उस केस का फैसला होने से पहले हम जो खेल खेल रहे हैं उसका अंत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तुमने देवी माँ पे विश्वास किया है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। थोड़े अलग, थोड़े गजब, डिफरेंट, अपना स्टाइल, अपनी अदा, सबसे जुदा। हाई फाई मेरा प्रोफाइल, कदमों में है सारा जहाँ, कुड़िया मुझ पे फना, विंदास अपने जीने को। Attention, everybody, हो जाओ सब ready, लो मैं आ गया। अच्छा तो रूम में क्या कर रहे होंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के साथ टॉकिंग एंड मीटिंग। अरे इस कोट और इस सूट की तो, इसे पहनकर कितनी गर्मी होती है, पता नहीं लोग कैसे पहनकर रहते हैं। उसके बाद उनका प्रोग्राम रिलैक्सिंग। आह कितना अच्छा लग रहा है अब। और उसके बाद फिर से मीटिंग। कब तक चलेगी मीटिंग? 24 आवर्स फिटिंग। तब तक मैं सिटिंग, अगर आपको कुछ काम होगा तो घर जाकर कुकिंग एंड कमिंग। मिस्टर, कोई तुम्हें बुला रहा है। मी? हु कॉल मी? हु कॉल मी? हु इज देयर? स्टॉप, मैम मैम मैम। आग लगने वाली है, अब राजू क्या कर रहा होगा? चंबू,
अरे बाप रे, अब ये कहां से आ गए? अब क्या करूं? हेलो मिस्टर भरत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू। यस, आपसे मिलने के लिए मैं 24 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। आई एम सो ग्लैड, एट लास्ट आई फाउंड यू। आप कौन? ओ सॉरी, बताना भूल गई, मैं कोटेश्वर राव जी की बेटी हूँ। कौन है ये कोटेश्वर राव? ओ आई एम रियली सॉरी, वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस मैग्नेट है। उतने भी फेमस नहीं, बट वी आर ऑल्सो बिजनेस मैग्नेट्स। या कल आपका डांस देखकर थ्रिल हो गई, आपका स्टाइल देखकर शॉक हो गई, आपका गाना सुनकर फ्लैट हो गई, पूरी रात भर आपके सपने देखती रही। ओके ओके, पर आपको ऑटोग्राफ चाहिए या किस चाहिए? नो नो नो, आपकी एक चीज मेरे पास रह गई है। मेरी चीज तुम्हारे पास? हाँ, ये डायरी। आई एम सॉरी। तुम्हें तमीज है क्या? खाली वक्त में हमारे भारत खुला महसूस करते हैं। मैं तो बस excuses, no माफी। अंकल इन्हें कुछ मत कहिए, आप बैठ जाइए, ये मेरी डायरी लौटाने के लिए आई है। हाँ। इतना ही नहीं मिस्टर भरत, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे घर एक बार चाय पीने के लिए आएंगे? ओके, आ जाऊंगा। नो, कल तुम वॉशिंगटन जाने वाले हो ना? अंकल मुझे ये लड़की पसंद आ गई, मैं जाऊंगा। ओके, कल मैं और भरत दोनों आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चलती हूँ मिस्टर भरत। ये असली नकली सांप है। बहुत अच्छा, मुझे दे दीजिए। ओह नो, दिस इज माय वाइफ, आई लाइक इट। अगर आप कहें तो ऐसे 100 सांप आपको इंडिया में पार्सल कर दूंगा। हां, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। तुझे अंडा चाहिए या बेड चाहिए? जी अबे सांप की औलाद, तेरा ये सांप जान लेकर रहेगा, किसी दिन इसे चाइनीज होटल में $10 में बेच दूंगा। मत करो, मेरे पेट पर लात मत मारो। असली बात तो मैं भूल ही गया, रंजनी की मां के आने का टाइम हो गया है, हमें उनसे पैसा लेना है। चलो ये सांप, चलो चलो यहाँ से चले। हाँ ठीक से, 6 सूटकेस रख दिए ना? 6-5 ही लगा, छठवां कौन सा लगता है? लाल है। लाल है तो अभी लेकर आता हूँ। जाओ जाओ बेटा, जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। हाँ ये लो, उसमें $1,00,000 है। ठीक है ठीक है, लाल वाला सूटकेस तो है ही नहीं। अरे मैं तो 5 ही लाई थी, चलो चलते हैं। ओ डाइवल, दिस आर द एग्रीमेंट पेपर्स, काइंडली गो थ्रू इट। थैंक यू। पेमेंट इन डॉलर्स मिस्टर कोटेश्वर राव। ये लीजिए बॉक्स। कौन सा बॉक्स? वो वाला बॉक्स है। अच्छा अच्छा वो। हाँ डैडी, भरत को चाय के लिए बुलाया है ना, फिनिश द वर्क। ओह 1 मिनट बेबी, 1 मिनट। भरत आ रहा है, भरत आ रहा है। सुनिए, ये तो बिल्कुल उस रेलवे कुली जैसा दिखता है ना? हाँ एकदम जिरॉक्स कॉपी जैसा लगता है। मम्मी डैडी आप लोग भी धोखा खा गए ना, दोनों अलग अलग है। हाँ? क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मुझे देख के किसी रिश्तेदार की याद आ रही है? गलत मत समझना बेटा, तुम्हारे जैसा एक लड़का हमारे इंडिया में भी है, इसीलिए स्मॉल शॉक लगा। या? हाँ। या? इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के कम से कम दुनिया में 6 हमशक्ल होते हैं, मतलब मेरा एक हमशक्ल इंडिया में है। फादलू, मुझ जैसा दिखने वाला इस पृथ्वी में कहीं तो जलूल होगा ना? तेरे जैसे बंदर तो हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। बेटी रजनी। हाँ? भरत को ले जाकर अपना घर दिखा दो, तब तक मैं अपना बिजनेस डील पूरा कर लेता हूँ। प्लीज कम, मैं अभी आता हूँ। सुनो, इस पेटी का लॉकर नंबर क्या है? मैं भूल चुका हूँ। हमारी शादी की तारीख 5/15/153। क्या है इसमें? 5 सुपारी मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है? डॉलर्स कहाँ है? हे माँ, देवी माँ इसी में थी, कहाँ गई? बेवजह मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पैसा कहाँ है बताओ। मिस्टर कोटेश्वर राव, डॉलर्स रेडी करने के बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। We'll meet again. हे भगवान। रुक जाओ मिस्टर कोटेश्वर राव, अगर आपको एतराज ना हो तो $1,00,000 मैं देता हूँ। $1,00,000? या अंकल। देवी माँ, देखा आपने, बिल्कुल अपने डॉलर जैसे ही हैं। चुप रहो, जैसे हमारे रुपए एक जैसे होते हैं वैसे ही डॉलर भी एक जैसे ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, वक्त पर मेरी हेल्प करके मेरी प्रेस्टिज बचाई। शंभू, शंभू भूख लग रही है क्या बेटा? आपके भांजे ने तो $1,00,000 फट से दे दिया। वो ऐसा है कि नो हैंड लोन्स, ऑल चैरिटीज,
दान और धर्म, इसीलिए 3-4 लाख डॉलर्स कैरी करके चलता हूँ। वैसे फ्रिज के अंदर अंडे मिलेंगे क्या मुझे? डजन डजन भले, जाके ले लीजिए। शंभू शंभू फादलू, अंडे के ले गया बेवकूफ कहीं का, उच पल नजर रखना। मैं जरा पैचो पे हाथ लगता हूँ। $3,000। फादलू ये हाथ में नलम नलम क्या लग रहा है? मिल गया, मिल शंभू, तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना बेटा? ये अंडा खा लो बेटा, ठीक है? वेलकम वेलकम। सब लोग बैठ जाइए, सिट डाउन। सबको सब कुछ परोसो। दही भात मिर्ची प्याज ऐसा खाना इंडिया में कुली लोग खाते हैं? ऐसा कुली जैसा काम माँ भी नहीं कर सकती। वो वहाँ की बात है, इतने नए तौर तरीके ना अपनाकर अपने नाम के साथ साथ अपने व्यवहार में भी भारतीयता को नहीं छोड़ा है इसने। भरत, आई लाइक योर सिंप्लिसिटी, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। डिश कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा कटलेट है। ये कटलेट नहीं है, पूछ को काट करके फ्राई किया हुआ सिंगापुरी चूहा है। आंखों के लिए अच्छा होता है। वेरी नाइस, कौन सा आइटम है पता लगा कर खाना चाहिए। ये देखो ये कितना बढ़िया है। बिल्ली की कड़ी इतनी अच्छी लगी क्या? क्या ये सचमुच बिल्ली कड़ी थी? हॉट डॉग की तरह हॉट कैट। सुनिए जी, आपकी खाली कटोरी जरा मुझे दीजिए। क्यों? उल्टी करने के लिए। चूहा खाया उसने, बिल्ली खाया उसने, करना है तो उल्टी वो लोग करेंगे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये नूडल्स अच्छे हैं, ट्राई करो। वो नूडल्स सही है, जंगल में रहने वाले जानवरों की अतड़ियां हैं। हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आ गया? मैं ये सब्जी खाऊंगा। ये सब्जी है? वो सब्जी नहीं, काटा हुआ सांप है। चीची, डिनर करने आए हैं या चिड़िया खाने में आए हैं? वासवेसन कहाँ है? हेलो, आर यू निकोलस? आर यू निकोलस? यस सर। कम ऑन कम ऑन, हरी अप। बेटा मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, वो आखिरी में देते हैं ना, वो दे दो। ओह डेजर्ट, ओह फ्रूट सैलेड। या बाप रे। नेवर माइंड मंकी माइंड, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? बंदर के सिर के अंदर रखा हुआ आइसक्रीम है, खाओ। Oh!
क्या कहा? भरत और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं? गुड। जल्दी शादी भी करवा देंगे तो वेरी गुड हो जाएगा ना। नो 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 नो, भारत इस महीने के 25 तारीख को वाशिंगटन जाएगा, इसके बाद जापान जर्मनी भी जाने वाला है। इस महीने की 24 तारीख को ही शादी हो जाएगी तो दोनों मिलकर वाशिंगटन जा सकते हैं ना। ओके, मैं भारत से बात करता हूँ और शादी की तैयारियाँ करता हूँ। थैंक यू। ओ नो नो नो, ये मेरा शंभू है, आपका शंभू वहाँ है। ओहो, ये आप क्या कह रहे हैं जी? लड़का उसे पसंद आया तो काफी है क्या? उसका गोत्र क्या है, जात क्या है? पैसा पैसे की जात। भगवान की भक्ति होगी भी या नहीं? देशभक्ति तो है, इसीलिए उसने अपना नाम भारत रखा है। मम्मी, I like him and I love him। और उनके मुताबिक मेरी शादी 24 तारीख को होनी चाहिए। अंकल, मुझे ये शादी पसंद नहीं। तुम्हारी पसंद किसने पूछा? मैंने हाँ कहा मतलब ये शादी होकर रहेगी। मेरे बेटे का क्या होगा? ये सिंगापुर लड़की नहीं मिलने वाला, कोई पुअर कंट्री नहीं है। किसी लड़की को देख लो, खर्चा मैं संभाल कर शादी करवा दूंगा। नागो जी, तब तो मैं 24 को मैरिज की तैयारियां जरूर करूंगा। मैं चलता हूँ। खाता क्यों नहीं है? फुल मील्स खिलाऊंगा कहकर हाफ मील खिला रहा है। कर भी क्या सकते हैं, हालात ही ऐसे हैं। वो तो लड़की के छाछा सारा धन भी ले गया है। हाँ ठीक है, रोना बंद कर, कोई नया प्लान सोचता हूँ। फादलू, वहाँ देखो, उस भेस पे हम उसके घर के खजाने को। अच्छा, तमत गया? तमत गए? हाँ। फादलू, तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग एक ही है। चलो। क्या कहा? इंडिया से? दीजिए दीजिए। हाँ गोविंद बोल, क्या खबर है? अब तक 3 वायदे हो चुके हैं, चौथे वायदे महीने हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वायदा कौन से दिन का है? इस महीने की 23 तारीख का। कैसे आ पाऊंगा यार, इनको उल्लू बनाया है कि मैं 1 करोड़पति हूँ और 24 तारीख को उनकी बेटी के साथ शादी के लिए हाँ भी करवा लिया। करोड़पति है, झूठ बोला है। ठीक है यार, बहुत जरूरी है ना, तो कल इंडिया के लिए निकलता हूँ। चलो ये खबर जल्दी से कोटेश्वर लाओ, अंकल को बताते। चलो 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 चलो। ये क्या फादलू, गोल गोल घूमकर हम फिर से अंदर ही आ गए? फिर गोल गोल घूम के हम लोग बाहर चलेंगे। चलो अपनी बकवास बंद करो, बेकार की बातें करके शादी रोकना चाहते हो। महान इंसान मेरा दामाद होने जा रहा है, ये बात तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं पार्टनर। देखो ज्यादा बोलोगे तो अपनी पार्टनरशिप भी टूट जाएगी। कीप क्वाइट। फादलू, अंकल विश्वास क्यों नहीं करते हैं? अंकल को विश्वास दिलाना है तो तू उसके साथ उसे बिना बताए हुए इंडिया जा और सबूत लेके आ, शादी मैं रोक देता हूँ। ठीक है फादलू। राजू आ गया। राजू, तू इस सूट में तो राजकुमार लग रहा है। देर हो रही है, जल्दी से ड्रेस बदल के आ जा। मैं हूं ना माजी, आपके पोते पर लगाए हुए केस बोगस केस हैं। अगली सुनवाई तक खत्म कर दूंगा, घबराइए मत। चलो बेटा। सुनिए एसपी साहब। कहिए। राजू नाम के स्कूली को ललिता नाम की लड़की के साथ बलात्कार करते हुए आपने देखा? हाँ, था? नहीं देखा सर। जिस जगह बलात्कार हुआ वहाँ पर आप कैसे पहुँच गए सर? फोन आया था सर। किसने किया था सर? पता नहीं सर। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट योर ऑनर। नोट दिस पॉइंट? इसमें नोट करने वाला कौन सा पॉइंट है सर? ये केस आपके हाथ से क्या सर? ये तो कोर्ट तय करेगा ना सर। कुमारी ललिता, कुमारी ललिता। तो मैं कुछ कहना है? इंसानियत के नाते मैंने इन्हें घर पहुंचाया, मेरा यही कसूर है योर ऑनर। मैं नहीं जानता था कि इस लड़की ने अपनी सहेली की खातिर मेरे सामने बीमारी का नाटक किया था, इसीलिए उसकी साजिश में फंस गया। इस केस की अगली सुनवाई जुलाई 13 तारीख को होगी। सिंगापुर जा ले हो? आ जा। तू एक रेलवे कुली है, ये अंकल को बताकर तेरी शादी लुकवा दूंगा। योर अटेंशन प्लीज, मिस्टर डी गोपाल इज रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर इमीडिएटली। दाओ, पहले तुम्हारा बुलावा आ गया। भले लोगों को ऐसे ही बुलाया जाता है। या यस, आई एम पॉल डी गोपाल, यू कॉल मी? यस, आपके लिए कोई आया है। क्यों जी, आप मुझे छोड़ के सिंगापुर चले जाओगे? What is this? क्या है, कोमड़ी का पीस क्या? इस लड़की को पार्क में घुमाकर, सिनेमा दिखाकर, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर, आखिर उसे गर्भवती बनाकर भागना चाहता है? गर्भवती? और मैंने किया? I don't know, मैं कुछ नहीं जानता। मत कीजिए, मेरी कोख में पल रहे अपने बच्चे के बारे में सोचिए। तुम्हारे कोख में मेला बच्चा? फ्लाइट SA909 फॉर सिंगापुर इज रेडी टू बोर्ड।
All passengers are requested to report security check immediately. Thank you. वो जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। ए रुक, जाता कहाँ है? ईमानदारी से इसे भी सिंगापुर ले जा। अले अले, मैंने इस लड़की के पेट में कुछ नहीं किया, मैं तो इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। ए मिस्टर, इंडिया में गलत करके फॉरेन भागने वाले तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है, पहले इसका फैसला करो। नो ऑफिसर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इनके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहिए तो परीक्षा लीजिए, इनसे रा अक्षर बोला नहीं जाता। सुनिए, मुझे एक बार राधा करके बुलाइए ना। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उस लड़की को एक बार राधा कहकर बुलाइए, आपको छोड़ दूंगा। चलिए बुलाइए। बोलिए ना। बोलो। राधा, राधा। आई सी, मतलब ये औरत सच बोल रही है। मेरी फ्लाइट जा रही है ऑफिसर जी। फ्लाइट चली गई, चलो अब। हाँ चलो। ये चलो। क्या बहन जी, इन्हें छोड़कर आप लोग जा रहे हो? किसे? अपने पति को। ये और मेरा पति? छी, तुमने ही तो कहा था कि इसने तुम्हें गर्भवती बनाया। ये लंगूर बेवकूफ मुझे गर्भवती बनाएगा। ए चलो चलो जाते हैं। हाँ चलो 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 यार, चलो चलो चलो। ऑफिसर, ए ऑफिसर, मेरे इतने कहने पर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी सिंगापुर की फ्लाइट मिस हो चुकी है, मैं वहाँ जल्दी नहीं गया तो तुम्हारी एयरलाइन पर मानहानि का दावा करूंगा। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगले एक घंटे में मुंबई से सिंगापुर की फ्लाइट है, उसमें आपके जाने का इंतजाम करता हूँ सर, मेरे साथ आइए सर। ओके। अले लाजू, तुम्हारे पीछे मैं दुम की तला आला हूँ। ए मिस्टर, राजू अभी तक आया क्यों नहीं? एनीथिंग डेंजर है क्या? अभी फोन किया था, फ्लाइट से उतर चुका है, आता ही होगा। खत्म हो गया है, ये करोड़पति नहीं है, ये रेलवे कुली है, इसका नाम राजू है। ए तोतले, मुंह बंद कर, कहीं इंडिया में रहने वाला कुली यहाँ सिंगापुर में कैसे आएगा? इम्पॉसिबल है। यस यस, इम्पॉसिबल। मेरी बात मानिए, लंजनी के साथ अन्याय हो रहा है। बेटा भारत, तुम कौन हो ये बताकर इनका मुंह बंद कर दो। मैंने कहा था ना, ये रेलवे कुली है। इडियट, हमारे साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया, तेरा पासपोर्ट मैं सील करवा दूंगा, तेरे पे चीटिंग केस लगाकर तुझे प्रोसिक्यूट करवाऊंगा। मेरा पिल्ला भी नहीं तोड़ सकता, मेरा पिल्ला भी नहीं तोड़ सकता, मेरा पिल्ला भी नहीं तोड़ सकता, मेरा पिल्ला भी नहीं तोड़ सकता। वो दुखी है, तुम भी रोनी सूरत बना लो। रंजनी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? उसने धोखे से तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, असल में कोई शादी हुई नहीं है, वो तुम्हारा पति ही नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं जी, मंगलसूत्र पहनने के बाद एक भारतीय नारी की शादी मानी जाती है? ये भारतीय नारी नहीं बल्कि एक सिंगापुर की लड़की है, वैसे भी ये शादी अपने देश में नहीं हुई है, कोर्ट में गलत सबूत नहीं चलते, उसी तरह विदेश में हुई ये गलत शादी नहीं चलेगी। सुनो रंजनी, वो मंगलसूत्र निकालकर फेंक दो। देवी माँ, देवी दुर्गा,
उस सेवन हिल्स गॉड से भी ज्यादा पावरफुल हो, ये साबित कर चुकी हो देवी माँ। मेरी बेटी के गुस्से में फेंके हुए मंगलसूत्र को आपने अपने गले में पहन लिया, फिर से उसके गले में पहनने तक आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंकल आप वली मत होइए, मंगलसूत्र निकालने के बाद भी सेकंड मैरिज कर सकते हैं ना। शादी हो गई है तो क्या, आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा। उस नालायक कुली से तो तुम जैसा पागल ही बेटर है। देखो बाबू, तुरंत पुलिस को फोन करके उसे सिंगापुर से बाहर जाने से रोक दो। ऐसा नहीं कर सकते, शादी के वीडियोस फोटोज और कैसेट हमारे हाथ में आए बिना उससे पंगा नहीं ले सकते। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ लुक्का छिपी खेल कर किसी भी तरह शादी की फोटोज और वीडियो कैसेट लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बाबू, उसकी जबान पर जरा शहद लगाना चाहिए था, शायद वो ठीक से बोल पाता। अगर ऐसा होता तो पूरा मधुमक्खी का छत्ता लगा देता। आज फिल्म देखने की तमन्ना है, आज फिल्म देखने का इरादा है। व्हाई मैन, व्हाट इज दिस, व्हाट योर बैग सर। थैंक यू। इंडिया जाने के लिए तुम्हारी फ्लाइट की टिकट। थैंक यू नागोजी, मेरा इंडिया का एड्रेस क्या है? कुली नंबर 1, केराप सिकंदराबाद स्टेशन, आंध्र प्रदेश। आओगे ना? गुड लक। लाजू, आज ही अंकल को लेकर इंडिया आता हूँ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। लाजू तुझे नहीं मिलने वाला, व्यू बेगाल में कोशिश करता है। ये तो कोई सांप पकड़ने वाला लगता है। ओह, आई विल गिव यू 5 अमेरिकन डॉलर, लीव मी। शट अप। अरे अपने राजू की शादी का फोटो आ गया, आओ देखो रे। अरे इसमें अपना राजू तो बहुत सुंदर लग रहा है, दिखाना। अरे अपना राजू कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो देखो। देख मेरा राजू है, बहुत सुंदर, मेरा बच्चा राजकुमार लग रहा है। राजू अब कुली का काम बंद कर दोगे क्या? हट, अब वो क्यों करेगा, राजू तो अब करोड़पति है। सुन बेटा, वो लोग अपनी बेटी को ससुराल भेजेंगे क्या? दादी माँ, असली कहानी तो अब शुरू होगी, अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है। आखिरी स्टेशन तक पहुँचने से पहले उस लड़की का घमंड तोड़ना होगा। देखिए, इस सिटी के आप सब नामचीन लॉयर्स हैं, सुनकर यहाँ पर बुलाया हूँ। सिंगापुर में हुई मेरी बेटी की शादी, वो शादी ही नहीं थी ऐसा साबित करना है। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा। सुनिए जी, ये शादी किस टाइप की हुई थी? इंडियन टाइप में ही हुई है। ओहो, शादी की फोटो वगैरह खिंचवाई है क्या? वीडियो भी निकाला है। निकाला है? शादी की खबर पेपर में आई थी क्या? सिंगापुर के पेपर्स में आई थी। यानी इंडिया में नहीं आई, नो प्रॉब्लम। अक्षत डालकर आशीर्वाद देते समय आप मुस्कुरा रहे थे क्या? वो कुली है, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं हंसते हुए खड़ा था। यानी कितना ज्यादा हंसे थे आप? इस हद तक? हाँ, इस हद तक। तब तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। एक काम कीजिए। क्या? फॉरेन में शादी करवाई है ना, तो इंडिया में सुहागरात करवा दीजिए। शट अप। इस लॉयर का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उस कुली को सपोर्ट कर रहा है। होल्ड योर टंग मैडम, मेरे क्लाइंट चाहे जैसे भी हो, न्याय दिलाना ही मेरा धर्म है। कैसा धर्म, हाफ ट्रेल एक शादी को रद्द नहीं करवा सकते हो? 3 बार नहीं 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 कहने पर ये शादी का बंधन टूट जाएगा, समझते हो क्या? हिंदू धर्म के रीति रिवाज से ये शादी हुई है। पति पत्नी को एक होने के लिए मंगलसूत्र पहनाना काफी होता है, लेकिन वही पति पत्नी को अलग करना होगा तो
3330 वजह बताने पड़ते हैं इंडियन कानून को। आई एम सॉरी, मैं तो क्या कोई भी वकील इस केस पर काम नहीं कर सकता। थैंक यू। दुनिया में पैसों से कोई भी काम करवा सकते ना दादी, तो इस शादी को रद्द नहीं करवा सकते? तुम्हारे डैडी चाहेंगे तो शादी को रद्द करवा भी सकते हैं, 3 दिन में तुम्हारी दोबारा शादी भी करवा सकते हैं। यस बेबी, बाबू ने बिल्कुल सही कहा, ये शादी रद्द होगी, डोंट वरी। बहुत ही धनवान हो, मंगलसूत्र निकालकर रिश्ते को तोड़ना चाहते हो क्या तुम लोग? इसकी कीमत जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। पसंद नहीं है कहकर मेरी बेटी ने ये मंगलसूत्र फेंक दिया, फिर भी देवी माँ ने स्वीकारा। सिंगापुर में श्रीमती बनी मेरी बेटी को इंडिया में फिर से कुंवारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पति। पिता का सहारा लेकर मेरी बेटी जमीन पर चलना ही भूल चुकी है। तुम और तुम्हारा पोता क्या करोगे मैं नहीं जानती। घमंड से फेंके हुए इस मंगलसूत्र को फिर से गौरव के साथ वो अपने गले में पहने, बस यही चाहती हूँ मैं। ये कार्ड अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए। मैं दे दूंगा, चल चल तू निकल। देखा ये क्या हुआ? सिंगापुर में हुई शादी को इंडिया में लीगल बता रहा है वो। उस कुली ने सबको इनवाइट किया है, ये कार्ड भेजकर सबको प्रीति भोजन के लिए बुलाया है। प्रीति भोजन। चिरंजीवी राजू, रेलवे लाइसेंस कुली यूनियन का नायक, चिरंजीवी सौभाग्यवती रजनी, प्रमुख व्यापारी जी का कोटेश्वर लाव जी की इकलौती बेटी, दर्शना विलासी रेलवे यूनियन बोर्ड सिकंदराबाद। इसका एक यूनियन बोर्ड, ऊपर से प्रीति भोजन। तोहफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाँ, इस कुली की शक्ल देखकर लॉरी भरकर लाकर देंगे तोहफे। दादी, अगर ये रिसेप्शन हुआ तो पूरे सिटी को पता चल जाएगा, मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? रिसेप्शन होगा तो तुम सर झुकाओगी ना बेटी। बाबू मेरे साथ चलो। अंकल, लगता है खाने पर सिटी के थाले भिखारी यूनियंस को बुलाने वाला है। माता, दीदी, बहन छप के मुझे हम लोगों की कहानी सुनाई देगी, देखना। असल में जब ये फंक्शन होगा तब ना। ड्राइवर चलो एमएलए के घर। अरे चुप, क्या कह रहा है तू? इस एमएलए राव को पार्टी से सस्पेंड करने के लिए कोई वहाँ पर अनशन कर रहा है, उसको मैं यहाँ वहाँ नहीं असेंबली में ही मर्डर कर दूंगा। अभी अपने आदमियों को भेज रहा हूँ। किसी के मरने के बाद जैसे चुप रहते वैसे ही चुप क्यों खड़े हैं? चल, 10 मिनट में उसका टेंट टूट जाना चाहिए, मर्डर होगा तभी चलेगा। चल चलो रे। नमस्ते नमस्ते लंगा लाओ जी। बदमाश, मुझे लंगा बोलता है तो कड़े कर दूंगा। देखिए आप गुस्सा मत होइए, इससे रह बोला नहीं जाता है क्योंकि ये तोतला है। ये बात है। क्या हुआ? लंगा का मतलब ये होता है। ऐसा है क्या? सॉली सॉली। अबे तू तो साली बोलता है। सॉरी सॉरी बोल रहा है ये। देखिए सर, इन दिनों शहर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जायदाद और जानमाल दोनों का नुकसान हो रहा है, सरकार भी बदलने वाली है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सर। इनमें से तुमको क्या चाहिए, मर्डर या बलात्कार, लफड़े या मतभेद? जरा जल्दी बताओ, दूसरी तरफ मेरे लिए पार्टी वेटिंग कर रही है। उतने लेवल के हम नहीं है, एक छोटा सा संसार बिगाड़ना है, उसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। किसका? मेरी बेटी का। अपनी बेटी का ही घर उजाड़ना चाहते हो, कैसा बाप है तू रे? यू सी, हमारे अंकल अपनी दौतल की शादी मुझसे करवाना चाहते थे, एक रेलवे कुली ने धोखे से शादी कर ली। ऐसी बात है तो तुम लोग कुछ भी फिक्र मत करो, उसको तो मैं इमीडिएटली खत्म कर दूंगा। बाप रे, ऐसा मत करना, उसकी मौत का कारण कोटेश्वर राव होगा, ऐसा लिखकर पुलिस को पत्र पहले दे चुका है। आज शाम को वो रेलवे क्वार्टर में रिसेप्शन की तैयारी कर रहा है। अगर आप उस रिसेप्शन को रोक देंगे तो आप जितना चाहेंगे उतना पैसा मैं आपको दूंगा। अपन को पैसा नहीं रे भाई, प्लॉट नहीं तो फ्लैट चाहिए अपने को। ठीक है तो हम नए बनने वाले बिल्डिंग में आपको एक पूरा फ्लोर लिख कर दोगे क्या? पूरा फ्लोर, ऑल राइट। ये मेरी बेटी की जिंदगी और मेरी इज्जत का सवाल, ठीक है लिख कर देता हूँ। फिर तो ठीक है, जाओ मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। अच्छा चलते हैं लंगा लाल जी। बंद रख, चल। थैंक यू। अगली बार आते वक्त इसे मत लेकर आना, लंगा लंगा कहकर दिमाग खा जाता है तू।
इतने धीरे काम करोगे तो कब खत्म होगा? इतनी जल्दी है तो तू ही करके दिखाना। मुझे कुछ नहीं मालूम। इन्हीं लोगों ने मारा होगा, मारो सालों को। मतलब एक गरीब आदमी एक अमीर लड़की से जब शादी करेगा तो हर तरफ खून की नदियां बहेंगी। ऐसा सोचकर चुप रहेगा तो ये शादी एक नाटक होगा बेटा। मैं साबित करूंगा दादी की एक असली शादी है। हाँ बेटा, साबित करना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। मंदिर बंद हो चुका है, भगवान की पूजा का समय भी नहीं है, ये जानते हुए भी तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आई हूँ जानते हो? मेरे पति जो मरण कांड रचा रहे हैं उसके अंत के लिए, तुम्हारे बीच हुए मंगल कार्य का गठबंधन करने के लिए। ऐसा काम कभी किसी माँ ने अपनी बेटी के साथ नहीं किया होगा। ये लो, ये रंजनी की बेडरूम की चाबी है बेटा। बेडरूम की चाबी? विवाह को नहीं समझने वाली मेरी बेटी शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते को समझेगी, ऐसी मेरी आस है। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ बेटा, उसके बचपन में मैंने जो गलती की थी उसे सुधारने के लिए बेटी के दूध में नशे की दवा मिलाकर आई हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, अपनी सुहाग रात की तैयारी करो। क्या हुआ? तुम्हारे बदन पर रहने वाला नाइट ड्रेस वहाँ पड़ा है, कुली के बदन पर रहने वाला कुर्ता यहाँ पड़ा है। Something happened? इतनी बेहोशी से कैसे सो गई बेटी? सोने से पहले दूध पीती, शायद नशा हो गया। वो कोई बिस्की या ब्रांडी थी जो नशा चढ़ गया। तो फिर ये शर्ट यहाँ पर कैसे? छोड़ा मत, उसने कोई जादू टोना करके ये शर्ट यहाँ रख दिया होगा बेटी। समझ गई मम्मी,
उसने कहा था किसी ना किसी रास्ते आके मुझे सबक सिखाएगा, इसी रास्ते से आया होगा। हाँ बेटी, उन लोगों के पास ऐसी जानकारी होती है। कुछ और ज्यादा करने से पहले तुम ही एडजस्ट हो सकती हो ना। इम्पॉसिबल, आज कोर्ट में उसकी रेप केस का फाइनल हियरिंग है। अपनी फ्रेंड ललिता को ले जाकर गवाह दूंगी। 7 साल की सजा दिलवाकर वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते में नो एंट्री का बोर्ड लगवा दूंगी। नमस्ते मेरी माँ, नमस्ते। इतने दिनों से मेरी बेटी के रिश्ते के टूटने का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सोने की चैन की आस में खुद की जिंदगी बिगाड़ चुकी है मेरी बेटी। दोस्ती के नाम पर तुमने जो धोखा दिया है उससे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले भगवान ने हमारी आंखें खोल दी है। मैडम, मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। मेरी बेटी कोर्ट जाएगी लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सच का सामना करेगी इन निरपराधियों के लिए। डोंट वरी बेबी, वो जिंदा कोर्ट नहीं जाएगा, लाश बनकर शमशान जाएगा। कुली कह रहे, इस लड़की को मेरे हवाले करके तुम अकेले कोर्ट जाओगे। कोर्ट तो उस लड़की के साथ ही जाऊंगा और निर्दोष साबित होके बाहर आऊंगा। हमारे अंकल की इज्जत बताने के लिए, तुम्हें कोर्ट जाने से रोकने के लिए, ये है ना। मेरा बिल्ला भी नहीं तोड़ पाओगे। नहीं टूटेगा, तोड़ने के लिए ही तो इसे लेकर आया हूँ। एक कौन है जानते हो? कश्मीर में पैदा होकर पंजाब में पहलवान बना बहादुर सिंह। तुम्हारे बहादुर सिंह को दूर कहीं आसमान में फेंक दूं तो? आसमान में फेंक दूंगा कह लेते, अब क्या हो गया? ए, मार डाल इसे। बेटे, तुझे सजा मिलेगी तो लंजनी मेरी पत्नी बनेगी। लंजनी ने तुमसे शादी का वादा किया था तो कर लो, लेकिन शादी से पहले 12 जुलाई की रात को मेरी लाल रंग की शर्ट लंजनी के रूम में कैसे पहुंची, जरा ये तो पता कर लो। तो ले जुलाई 12 रात को। अच्छा, क्या 12 जुलाई की रात को उसका कुर्ता रंजनी के कमरे में कैसा पहुंचा पता लगाने को बोला? उस रास्कल के हाथों मार खाकर आया और ऊपर से उसकी बकवास जोक्स को भी साथ उठाकर लाया है। जोक वोक नहीं है जी, सच है। कल रात को रंजनी के कमरे में लाल कुर्ता था, जादू टोने का डाउट है। राजू नाम का रेलवे कुली पर सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा गलत किया गया है, बात ललिता का मानने पर इस केस को रद्द करके कोर्ट को गुमराह करने के कारण कुमारी ललिता को 2,000 रुपए बतौर जुर्माने की सजा दी जाती है। लिहाजा राजू को बेकसूर मानकर कोर्ट उसे रिहा करती। वाह मेरे बेटे राजू। पार्टनर, राजू को कोर्ट ने निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया। किसी भी पल वो यहाँ आकर रंजू को मेरी पत्नी कहकर ले जाएगा शायद। सुनिए जी,
जो कुछ हुआ उसे ब्लाइंड की तरह भुलाकर बेटी को ससुराल भेज दे क्या? सुनो, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। अंकल, उसकी माल से मेरा गाल सूजा होगा। मुझ पर केस ना लगे तो मैं एक बॉम ले जाकर उसके घर में डाल देता हूँ। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये फैसला मैं खुद ही करूंगी। ये क्या गला दबाने वाले पैर पकड़ रही है? लगता है लड़की का घमंड उतर गया है। अरे, मेरी माँ के लिए मेरे पिताजी एक्स वाई जेड है, लेकिन आप मेरे लिए ए टू जेड है। कोर्ट में ही नहीं, असल जिंदगी में भी मैं आपसे हार चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उसने दरवाजा बंद किया तो तुमने क्यों जाने दिया? अरे, दोनों पति पत्नी है ना। अंदर क्या हो रहा होगा? युद्ध हो रहा है। इसमें कौन जीतेगा? सुबह होने पर पता चलेगा। ये जा क्यों रहे हैं? युद्ध नहीं हुआ क्या? अरे, बड़े घर की लड़की है, जगह कम पड़ गई होगी, इसलिए होटल ले गई। ए कोटेश्वर राव की बेटी, ये क्या नया नाटक है? हा? मैं भी जानती थी कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। रुपया को उड़ाया है और डॉलर से खेली हूँ। तो मुझे दारू में क्यों डुबो रही हो? हा? बताती हूँ ना। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। वो तो मैं अभी भूल गया। अपनी जिंदगी को आज एक नया रंग देना है। नया रंग? वो कैसे मेरी गुड़िया? नया नया है। राजू, 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 आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? जुलाई की 12 तारीख को। 12 जुलाई की रात को? क्या बहन, ये आपको छेड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है, मेरे पति। जरा नशा ज्यादा हो गया, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। संभल के। ठीक है ठीक है। राजू। बोलो। राजू, बोलो ना। जुलाई की 12 तारीख की रात को तुम मेरे कमरे में आए थे ना? आया था। आकर तुमने क्या किया था, याद है? बताता हूँ, बताता हूँ। आके एक बात बताकर सो जाओ ना। कमरे में आया तो हिल रहे थे। क्या? पर्दे, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं फिसल गया था। एक बातें मत बना, जो हुआ सो बताओ। तुम्हारी सुंदरता से पागल होके मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पैन। निकालने से पहले तुम्हारी शक्ल की मासूमियत देकर दया आ गई। सिर्फ तुम्हारी बिंदिया मिटा के अपनी लालसा जानबूझ के वहीं छोड़ के चला गया। उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं हुआ यार। थैंक गॉड। देखो बाबू, जितने भी सबूत थे सब जलकर खाक हो चुके हैं। अब एक पल भी देर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। जाजी, आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा बाबू, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ, और हमें ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी, समझे? अल्ले, मैं तो दूल्हा बन गया, दूल्हा बन के कैसे चन गया। सिंगापुर की करेंसी, इंडिया की करेंसी, अब हमारा हो जाएगा रे सन। पादलू पादा, पादलू पादा, पादलू फादर, पादलू। नमस्ते कोटेश्वर राव जी।
नमस्ते डॉक्टर, आइए। लड़का कहाँ है? सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। टाइम ही बैड है बेटा, मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? उठो। आओ बेटी बैठो। गोपाल यहाँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा मित्र, मेरे बिजनेस का पार्टनर बाबू के ओनली सन गोपाल से मेरी ओनली डॉटर रंजनी का विवाह होने वाला है, इसलिए आप सब यहाँ आमंत्रित हैं। फादलू, सोने का लिंग कहाँ है? लिंग नहीं बे, रिंग, रिंग। लिंग नहीं, लिंग, लिंग। देखो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी दूसरी शादी होली है, मैं बहुत धीरे से डालूंगा, आराम से चला जाएगा। भावनाओं को लोक नहीं पा रही हो, सब भूल जाओ। लंदनी को क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ क्या हुआ? अरे रे, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ सर? यही तो हमको पूछ रहा है। तूने स्वीट खा लिया हो तो जूस पी के जा, चल जाना। हमारी बेबी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ क्यों नहीं हुआ है, हमें फूल्स बना चुकी है और आपको नाना जी बनाने वाली है। What? सुनिए डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? आपकी बेटी गर्भवती है। हेलो 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 हेलो, तुम्हें उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? सुना है हमारे प्यार का फूल तुम्हारी कोख में पल रहा है? शट अप, कहां से बात कर रहे हो तुम? 3 नंबर प्लेटफॉर्म, कृष्णा एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन। क्या कहा? 3रा महीना है, वो भी 4 साल के बाद माँ बनने जा रही हो। लोग तो बहुत स्पीड में काम करते हैं, सिंगल नाइट में। अपना मुंह बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। जरा इसे पकड़ो। सुनिए, 3रे महीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऑटो में नहीं घूमना चाहिए, बस में नहीं चढ़ना चाहिए, सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ना उतरना चाहिए। ऐसी बात मत कीजिए वरना ये तो अभी मेरे कंधे पर बैठ जाएगी। चुप रहिए। भूल गया था गुरुजी, एक बात और है, 6वें महीने में मैडम को दूध, फलों का रस, खाना ये सब अच्छे से खिलाइएगा, मेरे जैसा गोरा चिट्टा बेटा पैदा होगा। और सुनिए, असली बात तो भूल ही गया, 6वें महीने में किसी भी तरह का काम मत करवाना इनसे, अगर आपको काफी पीना भी हो रहा तो पहले इनको पिलाइए उसके बाद खुद पीजिए। और सुनिए, सारी बातें ध्यान में रखना। हाँ, 3रे महीने में कैसे रहना चाहिए, 6वें महीने में क्या करना चाहिए, 9वें महीने में कैसे संभालना चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पर किसी को 3रा महीना कैसे आता है ये मैं करके दिखा चुका हूँ ना, चिल्लाओगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। गलत तरीके से एक औरत के साथ अन्याय करके खुद को मर्द कहते हो? तरीका चाहे कोई भी हो लेकिन तुम्हें तो अकल आ गई ना। हाँ वैसे तुम मेरे पास क्यों आई हो? अच्छा, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पेट में बच्चा है, तो इसके लिए तुम्हें पिता का नाम चाहिए। एक काम करो, गलती मान के मेरे पैर पड़ो, सबके सामने कह दूंगा तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ। पैर पकड़ने वाली मैं कोई सेंटिमेंटल फूल नहीं हूँ, मंगलसूत्र को भी निकाल के फेंक दिया है। वो तो एक धागा था इसलिए फेंक चुकी हो, लेकिन ये रिश्ता जो बन रहा है उसे कैसे तोड़ोगी? अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके। परेशान ना हो, जल्दी होश आ जाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक तो है ना? इनकी दुआ से सब ठीक है। हे देवी माँ। डॉक्टर साहिबा, मामा को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया,
एक क्रूर पिता को सबक सिखाने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया, अब एक माँ को सबक सिखाने के लिए इस बच्चे को दुनिया में आना ही पड़ेगा। ए बिडू, एमएलए रंगाराव ने तुझे जल्दी बुलाया है। क्यों? कुछ लफड़ा करने के लिए। चल बे, रेलवे कुली पर किया हुआ लफड़े का पैसा अभी तक नहीं मिला। अरे देगा ना बिडू। अरे क्या देगा क्या मालूम। चलना। वाले बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के नीचे कार पार्किंग की सुविधा बराबर होनी चाहिए। हेलो भाई जी। नमस्ते एमएलए जी। नमस्ते तो बहुत बढ़िया बोल लेते हो, पर अगर आपको अच्छी तरह से याद हो कि इस बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर आप मुझे देंगे ऐसा वादा किया था, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर थर्ड फ्लोर का क्या हुआ? मैं खुद फोन करने वाला था, आपका फ्लोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बात है तो फिर जल्दी कंप्लीट करो भाई, सीएम साहब से ही रिबन कट करवाऊंगा मैं इसका। अगले 3 हफ्तों में आपका फ्लोर आपके हाथों में नहीं हो सकता। तुम देने वाले कौन होते हो और वो लेने वाले कौन होते हैं? इसमें पढ़ने वाले तुम कौन हो? इस बिल्डिंग का ऑनर हूँ। पागल समझ रहा है मुझे क्या? स्टेशन में सामान ढोने वाला इस 4-स्टोरी बिल्डिंग का ओनर है। दारू पी के सीधे यहीं पर आ गया है क्या बेवकूफ? बेवकूफ मैं नहीं हूँ बे, तू है। हाँ, कोटेश्वर राव की लड़की को मंगलसूत्र बांधा तो वो मेरी क्या हुई? बीवी। तो बीवी की जायदाद मेरी हुई ना? इतना क्या सोच रहे हो? इस बददिमाग दौलत वाले की बेटी के पेट में मेरा बच्चा है। जब वो बाहर आएगा और पूछेगा पापा इस बिल्डिंग को आपने इस लिचड़ को क्यों बेच दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे लिचड़ कह रहा है बे? नहीं नहीं, तुम सिर्फ लिचड़ ही नहीं हो, बेशरम भी हो, लुच्चे हो, जोकर हो, ढक्कन हो। अरे तू तो सारे शहर का सबसे बड़ा हिजड़ा है रे। हाँ, इस एमएलए को तू हिजड़ा कह रहा है? जानता है मैं क्या कर दूंगा? क्या कर लेगा रे? तू एमएलए कैसे बना? कुर्सी के लिए सीएम के पैर पकड़ के ना। ओए, इसके उसके पैर मैं क्यों पकड़ूंगा रे? स्टेशन में मर्डर किया, ओल्ड सिटी में बम लगाकर ऑपोजिशन वालों को उड़ा दिया, इसलिए मुझे सीट मिली। मैं स्टोरी बहुत अच्छी सुना रहा है बेटा। मेरी स्टोरी तू पूरी तरह से नहीं जानता। तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रुकवाने के लिए दंगे करा करके तोड़ फोड़ करवा के, जानता है कर्फ्यू किसने करवाया था? तूने कराया? नहीं तो क्या, भगवान ने करवाया था? मैंने ही करवाया। यानी वैन में से लाश फेंकने वाले हमारे ही लड़के थे? उस दिन मस्तान को मारने वाले मेरे चमचे ही थे? गली में बॉम्ब फेंकने वाले मैं ही था? काफी है यार, अब जरा वहाँ देख ले। अब वहाँ भी देख ले। इन सबको वैन में चढ़ाओ। तू भी चल। मिस्टर रंगाराव, आई एम फ्रॉम स्टेट सीआईडी ब्रांच, दिस इज माय आईडेंटी कार्ड। यू आर अंडर अरेस्ट। ये रैयत कड़ी तुम खुद पहनोगे या मैं पहनाऊं? खून पसीना एक करके मेहनत करने वालों के पास आकर रक्तपात करने वाले इस एमएलए के साथ क्या सलूक करोगी दादी? इन हाथों से इसे वोट डाल के एमएलए बनाने के लिए खुद को मार रही हूँ, और तूने जो ये करतूत की है उसके लिए मैं तुझे तमाचा मारूंगी। सॉरी लक्ष्मी जी, पिछले महीने जो अबॉर्शन किया था वो फेल हो गया है। अबॉर्शन फेल हो गया? इतना ही नहीं, 5वें महीने में तुमने अबॉर्शन करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें बच्चा जन्ना ही होगा। अपनी सलाह अपने पास रखो, इलाज करना नहीं आता घर में जाके खाना बनाओ। रजनी होल्ड योर टंग, बेकार की बातें मत करो। उस दिन तेरे पति ने कहा था तुम्हारी लीगल मैरिज है, अगर मैंने अबॉर्शन किया तो मुझे जेल भिजवा देगा। तुम्हारी माँ ने भी उसे सपोर्ट किया, सच या झूठ अपनी माँ से पूछो। मम्मी, ये सच है? मैं उससे नफरत करती हूँ ये जानते हुए भी मेरे पेट में उसके बच्चे को पलने दिया। भगवान के भक्त कहती हो और खुद ऐसा काम करती हो माँ। मुंह बंद कर, जैसे कि सारी गलती मेरी ही है। सिंगापुर में उसके पीछे घूमने को मैंने कहा था, 24 घंटों में शादी कराने की जिद मैंने की थी क्या? क्या तुम्हें सुहागरात मनाने की सलाह भी मैंने ही दी थी? मैं सच्ची देवी भक्त हूँ बेटी, इसीलिए ये शुभ कार्य हुआ है। तुम्हारा गुस्से में फेंका हुआ मंगलसूत्र माता के गले में जाकर गिरा था, यानी कि ये शादी माँ के आशीर्वाद से। आशीर्वाद किसी का भी हो, मैं माँ बनना नहीं चाहती, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पाप को नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकती। नो,
दूसरों को रुलाने के बजाय खुद रोना हमारे खानदान की आदत नहीं है। मेरी बेटी दुनिया की नजर में एक और कुंती नहीं बनेगी, इसीलिए कल तुम और तुम्हारी माँ को मैं यहाँ से बहुत दूर भेज रहा हूँ ताकि किसी को इस बात का पता न चले। तुम डिलीवरी के बाद उस बच्चे को वहीं सड़क पर छोड़कर चले आओ। सर, आपका बेल ऑर्डर सैंक्शन हो गया है। बाहर बाबू और उसका बेटा गोपाल आपका इंतजार कर रहे हैं। उस जेल में सड़ा हुआ खाना खिलाया मुझे, ऐसा खाना देखा भी नहीं था आज तक। आपको बाहर लाने के लिए मेरे फादर ने बहुत सा पैसा खर्च किया। जानता हूँ बेटा, इन 6 महीनों में मेरा पैसा खाए हुए में से एक भी बदमाश ने आकर मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तुम लोग आए, ये कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे बारे में कोटेश्वर राव से पूछा तो बोला सड़ने दो साले को। आपके तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा तो कुछ नहीं दूंगा बोला। वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं उस बदमाश का खात्मा करूंगा। हेलो रेलवे इंक्वायरी, ईस्ट कोस्ट राइट टाइम पर ही है ना? थैंक यू। क्यों रे तोतले, तू और तेरा बाप सिंगापुर जाने वाले थे ना, टिकट नहीं मिली क्या? नहीं, तुझे टिप देने के लिए लुक गए बुड्ढे। पीकर आया है क्या? तुझे छठी का दूध याद दिलाने आए हैं। जबान संभाल के बाबू। नहीं, चिल्लाओ नहीं, अपने पास की सिंगापुर बैंक लोकल की हमें दे दो, हम लोग चले जाएंगे। नहीं तो बिना शादी के हुई गर्भवती तुम्हारी बेटी और गांव छोड़कर भागने वाली बात कल के अखबार में छपने वाली है। डेली कहानी खत्म कर देंगे, हैदराबाद से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक तुझे ऑल टेली फैमिली को बदनाम कर देंगे। तुम लोगों को जो करना है वो करो, अपने बैंक लॉकर की चाबी का कीचेन भी नहीं दूंगा। नमस्ते भाई साहब, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा झटका लग गया हो। जेल में सूखी रोटी खाने वाला एकदम तुम्हारे घर के झूले पर झूल रहा है, यही सोच रहे हो ना? उनको देखो, वो लोग जेल आए, बेल करवाया, मेरी इज्जत का मान रखा, तुम्हारी तरफ से क्या हुआ? अपने फालतू दामाद के कारनामे के कारण 20 साल से कमाया हुआ सोना, पैसा, इज्जत सब कुछ गंगा में बहा दिया तुमने। रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना मुझे। भाई सुना है तुम्हारी बीवी गहने पहनकर पब्लिक में घूमती फिरती रहती है, वो सब कहाँ रखा है यार? लोहे की पेटी में छिपा कर यहाँ का सारा धन तुम मुझे दे दे और सिंगापुर के बैंक लॉकर की इन्हें दे दे। वैसे भी इन हाथों से मर्डर किए हुए काफी दिन हो चुके हैं, जल्दी डिसाइड कर ले वरना तुझे खत्म कर दूंगा मैं। के करीब आ चुका हूं बेटा, इसीलिए मुझे माफ कर दो, ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अब आप खतरे से बाहर हैं, आपके घर खबर भेजती है। बेटा एक बार फिर मुझे माफ कर दो, ये मेरी पत्नी को दे देना। अगर मैं बचूंगा तो मेरी बेटी जिस बच्चे को जन्म देने वाली है उसके मुंह से नाना जी सुनना चाहता हूं। अगर मेरी सांस रुक गई तो मेरी चिता को आग तुम ही देना बेटा। धीरे बेटी धीरे, पेट में कुछ मारने जैसा क्यों लग रहा है? बेटा रहता है तो ऐसे ही मारता है। छी, मेरा बेटा होता तो क्यों मारता, उस कुली का बेटा है ना, इसलिए इतना घमंडी है। ये लो। माँ जी टेलीग्राम। पढ़ो बेटी क्या लिखा है। फादर सीरियस,
स्टार्ट इमीडिएटली। सब्र करो बेटी, क्षण आने ही वाला है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। नंबर 7007 गोदावरी एक्सप्रेस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। बेटा राजू, बेटा बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। हे देवी माँ, सोने जैसे बेटे को जन्म दिया है। देखो रंजनी, बिल्कुल तुम पर गया है। देखो रंजनी, सबके सामने खुद का नाम मत बिगाड़ बेटी। इसलिए तो पैदा होते ही बच्चे को कचरे के पेटी में फेंकने के लिए कहा था। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, इस बच्चे की माँ भी हो। नो, उस कुली के बेटे को देखते ही मुझे एलर्जी सी होती है। छूने के लिए मुझे घिन आ रहा है। इसे मेरे पास से हटाओ, वरना मैं खुद इसका गला घोट के मार दूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी। लक्ष्मी जी, पत्थर को औरत के रूप में बदलने वाले भगवान रामचंद्र भी इस पत्थर दिल को नहीं बदल सकते। अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करने वाली औरत, अपने पति की कदर न करने वाली औरत को माँ होने के नाते आप माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तेरे बाप ने तुझे ये दौलत देने के लिए कहा था। ये बच्चा मेरी दौलत है। पति के बदले पैसे के साथ संसार बसाओ, बच्चे के बदले प्रेस्टीज को दूध पिलाकर बड़ा करो। बेटी राजू, रुक जा। नहीं दादी माँ, इसकी कोख से जन्म लिया तो क्या, पर इसकी परवरिश एक कुली करेगा। बेटा, छोटी बच्ची ने गुस्से में आकर जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानो। छोटी बच्ची? छोटे से बच्चे का गला घोटकर मारना चाहने वाली एक छोटी बच्ची है? नहीं, ये जानवरों से भी बदतर है और माँ होते हुए भी एक बांझ की तरह है। आप सोच रही थी कि आपकी घमंडी बेटी माँ बनेगी तो सुधर जाएगी। आपने इस कुली के पास आकर विनती की थी, जिसे खुद अपने बच्चे की कदर नहीं, ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए। मम्मी, उस दिन डॉक्टर के सामने ये सब कुछ देवी माँ की महिमा है कहा था ना, मतलब ये तुम्हारी महिमा थी। अच्छा, उस कुली को सपोर्ट किया तुमने? कौन है कुली? असल में तू है, तू है कुली वाली। बेटी लक्ष्मी, चुप हो जा। नहीं माँ जी, इतने दिन तक मैं बताने से डरती रही, लेकिन आज मैं चुप रहूंगी तो इसका भविष्य नहीं रहेगा। क्यों री, पति को मना कर दिया, औलाद को फेंक दिया, और किससे प्यार करती है तू? पैसे से? रईस घर में पैदा हुई तो क्या समझती है तू? करोड़पति कोटेश्वर राव को अपना बाप समझती है? नहीं, तेरा बाप एक रेलवे कुली था। तेरा जन्म एक गरीब कुली के घर में हुआ था। मैं मैके जा रही थी, रास्ते में मुझे दर्द होने लगा और मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। मैं तीसरी बार भी मरे हुए बच्चे को जन्म देकर बांझ की जिंदगी जी रही थी। मैं बहुत दुखी थी। दुखी मत हो, अगले साल हीरे जैसा बेटा पैदा होगा। मैं उतनी तकदीर वाली नहीं हूँ, ये बात उन्हें पता चली तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। जिंदगी भर सबके ताने सुनते हुए नरक की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसे आप अपनी ही बेटी समझिए। ये अगर मेरे साथ रहेगी तो कुली बनेगी,
आपके साथ रहेगी तो करोड़पति बनेगी। आप अपने पति के साथ सुखमय जिंदगी बिता सकती हैं। एक औरत का दुख मैं समझ सकती हूँ। एक लिपस्टिक के लिए तुम्हारे रेल रोकने के कारण मरने वाली पार्वती ही तुम्हारी माँ थी। जिस लाश के रहने पर तुम ट्रेन में सफर करने से मना कर रही थी, वही पार्वती तुम्हारी सगी माँ थी। बेटा लो बेटा, मैं दूध ले आया हूँ, पी लो बेटा, लो पी लो, दूध पी लो। रंजनी, रंजनी बेटी, रंजनी, रंजनी अम्मी बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, बेटी रंजनी, तुम अपने बेटे को अपना सको, इसलिए सच बोला मैंने, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं बेटी। क्या हुआ रे, तुम सारी औरतें मिलकर ऐसे परेशान क्यों दिख रही हो? तुम्हारा बच्चा मेरे पास है ये देख करके मैं इसे अपने छोटे से काम के लिए लाया हूँ। तुम्हारे बाप की वो लॉकर की चाबी उस कुली ने तुम्हें दी है ना, वो सिंगापुर लॉकर की और पैसे गहने लेकर बंद हुए तुम्हारे गोडाउन में आना है। याद रखना, अकेले आना और जल्दी आना। अब तक तेरे बेटे ने दूध नहीं पिया इसलिए रो रहा है। चलो ये कौन है जानते हो? अलाउद्दीन का अद्भुत चिराग है, इसे ऐसे ही रोने दो, इसकी आवाज सुनकर इसकी माँ सारा पैसा लेकर आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ? झांसी की रानी के स्टाइल में हाथ हिलाते हुए भाग कर आई हो? वो सोना कहाँ है? लॉकर की चाबी कहाँ है? ए, ए, कौन है? कुली नंबर वन, कुली का बेटा भी माला है। कुली, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कहाँ है कुली?
ए! मैं यहाँ हूँ। ए कुत्ते की तुम तोतले, वो चाबी लेकर मेरा बेटा मुझे देगा या त्रिशंकु की तरह लटके तेरे फादल को ऊपर स्वर्ग में भेज दो। ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बेटे को दे रहा हूँ। ए मेरे फादल को छोड़ दो। छोड़ दिया। ए कहाँ जा रही है तो? जल जाएगा आग में कूली। Thank you.
माँ, गॉड की वजह से सारा बैड टाइम चला गया। सुन बेटा, तेरे माता पिता शादी कर रहे हैं, मारो जय की घंटी।